Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself, Abhishek Kumar, I am your biology mentor. So now we discuss about very important and interesting unit of the 11th NCERT that is the plant physiology. So in this particular unit, we detail discuss about each and every chapter which contain in this unit. So I hope you all enjoy this video. So if you like my videos, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and the box section of my channel. So please go through the box section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep support. Hello friends, welcome back to another new and interesting chapter of the 11th NCERT that is the mineral nutrition. So in this particular chapter, we detail discuss about each and everything which is related to this chapter. So first we want to go overview before starting the session. So in this particular chapter, we cover some topic that is matter to study the mineral requirement of the plant. यानी प्लांट को मिनरल की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके बारे में मैथड सारे के सारे उसके मैथड पढ़ेंगे और ये देखेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट क्या होते हैं और फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट कि एलिमेंट को प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है आफ्टर डेट ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है आफ्टर डेट सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट कि सॉइल जो होती है वो रिजर्वायर होती है एसेंशियल एलिमेंट के लिए मतलब जो प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए जरूरी एलिमेंट है उसके लिए सॉइल क्या है रिजर्वायर है ठीक है और उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आपको बताऊंगा सो फर्स्ट वी रीड फॉर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर दैट एलिबरेट ईच एंड एवरीथिंग सिंपल एंड इजी वर्ड्स सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो क्या है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हमको क्या बताया गया एनसीईआरटी की टेस्ट में द बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर जो बेसिक नीड होती है सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल इज द सेम है ना जो बेसिक नीड होती है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है इसेंशियली क्या होती है सेम होती है ना किस बेसिस पे सेम बोला गया यहाँ पे कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है किसकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कौन से न्यूट्रिएंट की माइक्रोमॉलिक्यूल की किसकी ज़रूरत होती है माइक्रोमॉलिक्यूल की है ना सच माइक्रोमॉलिक्यूल वो कौन कौन से होते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल में कौन आते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है प्रोटीन आते हैं और क्या आते हैं फैट आते हैं है ना ये बात याद रखेंगे कि माइक्रोमॉलिक्यूल में कौन कौन से आते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है प्रोटीन आता है और फैट आता है ना कार्बोहाइड्रेट आ गया प्रोटीन आ गया और फैट आ गया ठीक है ये किस में आए माइक्रोमॉलिक्यूल में किस में माइक्रोमॉलिक्यूल में ठीक है और क्या ज़रूरत पड़ती है वाटर एंड मिनरल वाटर मिनरल की ज़रूरत किसके लिए पड़ेगी वाटर मिनरल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर मिनरल है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट क्या हैं माइक्रो मॉलिक्यूल हैं ये बात याद रखेंगे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक नीड होती है वो सेम होती है ठीक है आगे क्या है दिस चैप्टर फोकस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन है ना इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे सिर्फ इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे है ना ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक ये इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे कि हमसे पूछ सकते हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में हम किस प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं ठीक है वेदर इन तो हम इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे तो हम ये स्टडी करेंगे क्या है वेदर इन यू विल स्टडी मैथड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट इसेंशियल टू ग्रोथ है ना हम इसमें ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट हैं जो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए इसेंशियल हैं और क्या देखेंगे उनकी क्राइटेरिया फॉर स्टेबलाइजिंग इसेंशियलिटी यानी उसमें इसेंशियलिटी मतलब उसको इसेंशियल क्यों माना गया उसका क्राइटेरिया क्या है ना उसको क्राइटेरिया स्टेबलाइज करने के लिए इसेंशियलिटी का क्या होता है वो चीज़ देखेंगे हम और क्या देखेंगे यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट आप इसेंशियल एलिमेंट का रोल भी देखेंगे कि इसेंशियल एलिमेंट है वो प्लांट में अपना कौन सा रोल प्ले कर रहा है ठीक है और क्या देखेंगे देयर मेजर डिफिशियंसी सिम्टम्स और उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में देखेंगे और क्या देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज इसेंशियल एलिमेंट और इसेंशियल एलिमेंट को कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना उनका मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है और क्या है दिस चैप्टर आल्सो इंट्रोड्यूस यू ब्रीफली टू सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजनिफिकेशन तो इसमें क्या है ये चैप्टर में हम क्या संक्षिप्त ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त में मतलब क्या होता है संक्षिप्त में इस चैप्टर में संक्षिप्त में हम क्या देखेंगे सिग्निफिकेंस देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का है ना नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है कि क्या क्या मैथड होते हैं सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में इस चैप्टर में देखेंगे ठीक है तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है अपना मैथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, है ना। इसमें क्या है कि मैथड क्या करेंगे, स्टडी करेंगे मिनरल रिक्वायरमेंट जो प्लांट की होती है उसके बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, इन 1860 में जूलियस वॉन्सेक ए प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड टू फर्स्ट टाइम डेट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मेच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ सॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये बताया गया है कि 1860 में, है ना, 1860 में एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, कौन से जर्मन के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जूलियन वॉन्सेक था। ये बात याद रखेंगे, क्या था, 1860 में जर्मन के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जूलियस वॉन्सेक, जूलियन वॉन्सेक साहब थे, ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। 1860 में इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, किसमें, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं उसके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं इसमें क्या हो, कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल, यानी वहाँ पे माटी की जरूरत ना हो, है ना, सॉइल की जरूरत ना हो, उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को क्या बोला, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, है ना। इस टेक्निक को क्या बोला, हाइड्रोपोनिक टेक्निक बोला, क्या टेक्निक बोला, हाइड्रोपोनिक टेक्निक बोला। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो करते हैं एब्सेंस ऑफ सॉइल, वहाँ पे सॉइल नहीं होती है, ठीक है। सिंस देन ए नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज मेथड हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई द डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर प्लांट। और फिर इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे मेथड आए और फिर ये पता चला, डिटरमाइन किया गया ट्राई टू डिटरमाइन मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट, है ना, कि कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्लांट के लिए एसेंशियल हैं, यानी जरूरी हैं। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, द एसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री डिफाइनिंग मिनरल सोल्यूशन, है ना। ये सारे के सारे जो मेथड हुए ये किस पे फोकस कर रहे थे, कल्चर ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को कल्चर करो सॉइल फ्री सिस्टम में, सॉइल फ्री सिस्टम में यानी सॉइल की एब्सेंस में, है ना, और उनका डिफाइंड मिनरल सोल्यूशन में, यानी मिनरल सोल्यूशन यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको ग्रो करो, और कि सॉइल की फ्री सिस्टम में, मतलब उसमें सॉइल ना हो, ठीक है। आगे क्या है, दीज मैथड रिक्वायर प्यूरीफाई वाटर, है ना। इस मेथड में क्या जरूरत होती है, प्यूरीफाइड वाटर, यानी जो पानी हो साफ सुथरा पानी होना चाहिए, और क्या हो, मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट, और उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट की जरूरत होती है। अब आगे क्या बोला गया, कैन यू एक्सप्लेन भाई इट्स सो एसेंशियल, आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ये जरूरी है। हाँ भाई, क्योंकि जब प्यूरीफाइड वाटर होगा, अच्छा प्योर वाटर होगा, तो उसमें क्या कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे, है ना, और मिनरल न्यूट्रिशन साल्ट होंगे तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल होते हैं, इस वजह से उसकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी, है ना। और प्यूरीफाइड वाटर है तो उसकी वजह से उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगी, तो प्लांट को वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो इससे अच्छे प्लांट अपना अच्छे से लाइफ सर्वाइव करेगा और अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, आफ्टर ए सीरीज एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट ऑफ द प्लांट वर इमर्ज इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड वेयर इन एलिमेंट एडेड और सब्सटीट्यूटेड रिमूव और गिवेन ए वेरिएड कंसंट्रेशन इन ए मिनरल सॉल्यूशन। अब ये क्या बताया गया है, अब हमको ये बताया गया है कि उसके बाद क्या, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, है ना, उसमें क्या देखा गया कि जिसमें रूट ऑफ प्लांट, जो प्लांट की रूट थी, उसको कहाँ पे इमर्ज किया गया। इमर्ज का मतलब होता है डुबोना या डालना, इमर्ज का मतलब क्या होता है, डुबोना, इमर्ज का मतलब क्या होता है, डुबोना, ठीक है। उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डुबो दिया गया प्लांट की, किसको, रूट को, ठीक है। और जिसमें क्या था, एलिमेंट को ऐड करते थे हम लोग, है ना, एलिमेंट को ऐड करते थे और क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, यानी रिमूव करते थे, ऐड करते थे और रिमूव भी करते थे, और उनको एक वेरिड कंसंट्रेशन, यानी उनके एक कंसंट्रेशन पे, वेरी कंसंट्रेशन पे उसको निकालते थे और डालते थे, ठीक है। और क्या है, इन्हें मिनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ वाज ऑप्टेंड, और फिर क्या, सुटेबल जो वो मतलब मिनरल सॉल्यूशन जो हम डालते थे उसमें, एलिमेंट डालते थे उनकी कंसंट्रेशन पे, वेरिड कंसंट्रेशन पे, है ना, चीज़ों को डालते थे, निकालते थे, तो वो क्या, प्लांट ग्रोथ, जिससे सुटेबल प्लांट ग्रोथ ऑप्टेन हो जाए, ठीक है। आगे क्या है, बाय दिस मेथड, इस मेथड से एसेंशियल एलिमेंट वर आइडेंटिफाई एंड देयर डिफिशेंसी सिम्टम्स डिस्कवर,
है ना। इस मेथड से क्या पता चलता है, इस मेथड से एसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उनका डिफिशेंसी सिंड्रोम जो होते हैं वो डिस्कवर हो जाते हैं, ठीक है, डिफिशेंसी सिंड्रोम डिस्कवर हो जाते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक, हाइड्रोपोनिक हैज बीन सक्सेसफुली, क्या बोला गया यहाँ पे, हाइड्रोपोनिक हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉय एज ए टेक्निक फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, है ना। जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक था इसको सक्सेसफुली इम्प्लॉय किया गया, लागू किया गया, कहाँ पे लागू किया गया, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल यानी व्यापारिक रूप पे, यानी हम मतलब व्यापार करने के लिए प्रोडक्शन करते थे किसका, वेजिटेबल का। अब उसमें कौन कौन से वेजिटेबल में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, वेजिटेबल में आ गया टमाटो आ गया, और क्या आ गया, सीडलेस कुकुम्बर आ गया, और क्या आ गया, लेट्यूस आ गया। टमाटो मतलब टमाटर, सीडलेस कुकुम्बर मतलब ऐसा कुकुम्बर, ऐसा खीरा, कुकुम्बर का मतलब क्या होता है, खीरा, सभी जानते हैं, ऐसा खीरा जिसमें सीड ना हो, है ना, सीडलेस कुकुम्बर। और क्या बोला गया, लेट्यूस, ये क्या होता है, लेट्यूस क्या होता है, लेट्यूस है ए टाइप ऑफ लीफ, क्या है, ए टाइप ऑफ लीफ विच यूज इन सैलेड, है ना, विच यूज सैलेड, है ना, एक टाइप की पत्ती है जिसको हम सलाद में यूज करते हैं, है ना, लेट्यूस, ठीक है। आगे क्या है, इट मस्ट बी एम्फेसिस डेट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली इरीगेटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ, है ना। अब इसमें क्या जरूरी है, इसमें क्या जरूरी है कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, है ना, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसमें क्या होना चाहिए, एडिक्वेटली, क्या है, एडिक्वेटली इरीगेटेड, यानी उसमें हवा, मतलब अंदर हवा एयर जाने के लिए उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, हवा जाने के लिए उसमें जुगाड़ होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो वो क्यों जरूरी होता है, वो इसलिए जरूरी होता है कि उसकी प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके, अच्छी खासी ग्रोथ हो सके, इसलिए जो सिस्टम होना चाहिए मस्ट बी इरीगेटेड होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या दिया गया, व्हाट वुड हैपन इफ सोल्यूशन वर पुअरली इरीगेटेड, क्या होगा जब सोल्यूशन पुअरली इरीगेटेड होगा, है ना। पुअरली इरीगेटेड का मतलब यही होता है यार कि वहाँ पे एयर जाने का जुगाड़ होना चाहिए, ठीक है। अब सोल्यूशन में जब पुअरली इरीगेटेड होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो सोल्यूशन में, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में प्लांट की रूट है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, है ना, नॉट ऑब्टेन ऑक्सीजन बाय प्लांट, है ना, प्लांट ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, है ना, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सो क्या होगा, फिर क्या होगा, प्लांट का ख़त्म हो जाएगा, प्लांट अपनी एक्टिविटी सही से नहीं कर पाएगा और इंटायर पूरा प्लांट यानी रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो सारा इंटायर प्लांट ही पूरा डेथ हो जाएगा, है ना, मर जाएगा, ठीक है। हमको क्या बताया गया, हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में बताया गया, फिगर हाइड्रोपोनिक टेक्निक का फिगर कब कहाँ पर दिया गया है, 12.1 और 12.2 में दिखाया गया फिगर, ये है किसका है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या दिखाया गया, इसमें क्या है, अब यहाँ पे एक बकेट टाइप का ले लिया गया, ठीक है, बकेट ले लिया गया, इसमें क्या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल दिया गया, सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट इसमें डाल दिए गए, और फिर क्या हुआ, एक फनल लगा दी गई। फनल किस लिए लगा दी गई, फनल को क्या बोलते हैं, कीप बोलते हैं, ये किस लिए लगाई गई, इसमें वाटर ऐड करेंगे और क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे इसी फनल के थ्रू, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे इरीगेटिंग ट्यूब लगा दी गई, इरीगेटिंग ट्यूब ये जो है यहाँ से इरीगेशन आएगा, है ना, इसको हम जब चलाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो अच्छे से हिलेगा, इरीगेटेड होगा तो सारे के सारे जो मिनरल न्यूट्रिशन है पूरे पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे, है ना, पूरे वाटर में मिक्स हो जाएंगे तो अच्छे खासे से फिर रूट उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉटन किस लिए लगाई गई, ये जो लगाए गए हैं ये कॉटन किस लिए लगाए गए, कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सोल्यूशन के अंदर ना आ पाए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो ये पॉल्यूटेड हो जाएगा, है ना, उसमें फिर प्लांट ग्रोथ अपनी अच्छे से नहीं कर पाएगा, कि जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज करने लगेगा, है ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हो कितनी हाई रेट पे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और वो प्लांट को सर्वाइव नहीं होने देंगे, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक है, कॉटन लगाई गई इसीलिए, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, आगे एक और बताया गया फिगर, इसमें क्या है, ये भी क्या है, इसमें भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रखा गया है ना, इसमें भी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रखा गया है और यहाँ पे क्या है, पंप लगा दिया गया है। अब इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यहाँ पाइप से थ्रू जा रहा है और इस पाइप से यहाँ से जा रहा है, जितने भी प्लांट हैं यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं सारों के सारे की जड़ में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जा रहा है और फिर वही वापस आके इसी टैंक पे आ रहा है, पंप पे आ रहा है और फिर ही साइक्लिक रूप से इसको फिर से प्लांट में भेज रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यही बताया गया है,
हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन है ना, क्या बताया गया यहाँ पे, हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट ग्रो इन ए ट्यूब और थ्रू द प्लेस स्लाइट इंक्लाइंड, एक तरफ का इसका हिस्सा जो है इंक्लाइंड किया गया, झुका हुआ है, जिससे कि वो सोल्यूशन है वो आसानी से आ जाए वापस। ए पंप सर्कुलेटेड, एक पंप लगाया गया है, सर्कुलेट कर रहा है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन फ्रॉम द रिजर्वायर टू एलिवेटेड इन ट्यूब, और जहाँ पे रिजर्वायर, जहाँ पे सोल्यूशन रखा गया है, वहाँ से पूरे ट्यूब में वो क्या सर्कुलेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। द सोल्यूशन फ्लो डाउन द ट्यूब रिटर्न द रिजर्वायर ड्यू टू द ग्रेविटी, और जो सोल्यूशन ट्यूब में फ्लो हो रहा है वो फिर उसी उसमें आ जा रहा है, कहाँ पे आ जा रहा है, रिजर्वायर में आ जा रहा है, जहाँ से गया था वहीं पे आ जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, किसके ग्रेविटी की वजह से। इंसेक्ट्स ऑफ द प्लांट हुज रूट आर कंटिन्यूसली बाथेड इन द इरिगेटेड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, और इसमें क्या बताया गया, जो पाइप के अंदर जो प्लांट लगा हुआ है तो उसकी जो रूट है वो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में कंटिन्यूअस बात है, मतलब उसी में डूबी हुई है, ठीक है। द एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, जो एरो है ये फ्लो के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है, पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे वापस आ रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन है ना, मिनरल एसेंशियल मिनरल एलिमेंट के बारे में बताया गया है, कौन कौन से एसेंशियल मिनरल एलिमेंट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। क्या दिया गया है टेस्ट में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन इंटर प्लांट थ्रू रूट, है ना, ज़्यादातर जो मिनरल होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वो रूट में प्लांट में जाते हैं, किसके थ्रू, रूट के थ्रू, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ मिनरल जो प्रेजेंट होंगे सॉइल में प्रेजेंट होंगे और रूट उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देगी, ठीक है। मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 105 एलिमेंट हैं जो कि अभी तक डिस्कवर हुए हैं, है ना, अभी तक डिस्कवर हुए हैं, उसमें से कितने, मोर देन 60, उसमें से 60 से ज़्यादा एलिमेंट हैं जो डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं, सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, कुछ प्लांट स्पीसीज होती हैं उसमें क्या एक्यूमुलेट होता है, कुछ प्लांट स्पीसीज में क्या एक्यूमुलेट होता है, सेलेनियम, यसी सेलेनियम एक्यूमुलेट होता है, और कुछ में क्या होता है, गोल्ड, कुछ में क्या होता है, गोल्ड, गोल्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, AU, है ना, गोल्ड को क्या बोलते हैं, AU, कुछ प्लांट स्पीसीज होती हैं जिसमें सेलेनियम और गोल्ड का एक्यूमुलेशन होता है। आगे क्या दिया गया है, व्हाइल सम प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम, तो कुछ प्लांट होते हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट, जहाँ पे न्यूक्लियर का टेस्ट होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे, वो उसी साइट पे, वहीं पे, उसी स्थान पे अगल बगल ग्रो करते हैं, और उनमें फिर क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे, जो प्लांट कहाँ पे ग्रो होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट के साइट पे ग्रो होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम पाया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या है, देयर आर टेक्निक डेट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, है ना, ये टेक्निक डिटेक्ट करती है मिनरल न्यूट्रिशन को, है ना, अगर ये कितने, इसकी कंसंट्रेशन बहुत लो कंसंट्रेशन, यानी 10^-8 ग्राम पर ml, है ना, इतनी कंसंट्रेशन तक, वेरी लो कंसंट्रेशन तक भी ये मिनरल को डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। आगे क्या है, दिस क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट, क्या सारे के सारे डाइवर्स एलिमेंट जो होते हैं, मिनरल एलिमेंट होते हैं, वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया, गोल्ड एंड सेलेनियम एज मेंशन अबव, है ना, यहाँ पे आपको बताया गया गोल्ड और सेलेनियम जो होते हैं ये बताया गया, कहाँ पे सेलेनियम कहाँ पे पाया जाता है और गोल्ड कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे न्यूक्लियर साइट टेस्ट होते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आर रियली नेसेसरी फॉर प्लांट, इसमें क्या बताया गया, गोल्ड और सेलेनियम जो होते हैं ये क्या रियली नेसेसरी है प्लांट के लिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो हम बोलेंगे यस इट इज़ द नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। हाउ वी डिसाइड डेट इज एसेंशियल फॉर प्लांट, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये प्लांट के लिए एसेंशियल हैं, है ना, और कौन से प्लांट के लिए एसेंशियल है, कौन प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या क्राइटेरिया दिया गया है, क्या क्राइटेरिया बताया गया है, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एसेंशियलिटी के लिए हमको क्राइटेरिया दिया गया है। अब उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें हमको बताई गई हैं, क्या बताई गई, क्राइटेरिया फॉर एसेंशियली आर गिवन बिलो, नीचे बताया गया हमको पॉइंट बताए गए क्या है, फर्स्ट क्या पॉइंट है,
सॉरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो भी एलिमेंट होना चाहिए, जो भी एलिमेंट होना चाहिए वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो भी एलिमेंट हो वो एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, उसकी ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करें। ठीक है, आगे क्या बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट द सीड, है ना। और इस एलिमेंट की अगर कमी हो जाए तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ना कर पाए, है ना, प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा ना कर पाए और ना ही वो सीड दे पाए, ना ही वो सीड दे पाए या ना उसमें सीड आ पाए। ठीक है, समझ गए कि जो एसेंशियल एलिमेंट हो तो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल हो, अगर वो अब्सेंस हो जाए तो उसमें उसकी वजह से प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर पाए। ठीक है, सेकेंड में क्या बताया गया, बी में, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट। जो भी एलिमेंट हो उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और डू नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट। यानी किसी, मान लो सोडियम की कमी हो गई किसी चीज़ में, किसी प्लांट में सोडियम की कमी होगी तो सोडियम की कमी सिर्फ सोडियम से ही पूरी हो पाए, है ना, जब तक उसको सोडियम ना मिले तो उसकी कमी पूरी ना हो। ऐसा नहीं कि सोडियम की कमी है पोटेशियम आके पूरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमको बताया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट रिप्लेसेबल बाई अनदर एलिमेंट, है ना, स्पेसिफिक होनी चाहिए और अनदर एलिमेंट से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। इन वर्ड्स, डिफिशियंसी ऑफ इन एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेड बाई सप्लाई ऑफ सम अदर एलिमेंट। यही बताया गया है कि हमको अगर किसी एक एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट की सप्लाई करने से, दूसरे एलिमेंट को डालने से उसकी कमी पूरी ना हो, यही बताया गया है। ठीक है, सी में क्या है, द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट। जो एलिमेंट हो वो क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबोलिज्म ऑफ प्लांट। मेटाबोलिज्म का फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज़ प्लांट ले, है ना, कोई भी चीज़ प्लांट यूज करे, ऑर्गेनिज्म यूज करे, तो उस यूज की हुई चीज़ को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे, एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, मेटाबॉलिज्म का यही काम होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, सीधा मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे और हमको बताए गए, अब इसके बेसिस पे क्या है ना, इन तीन पॉइंट के बेसिस पे, बेस्ड अपॉन द एबव क्राइटेरिया, बेस्ड अपॉन एबव क्राइटेरिया ओनली फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, है ना। इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जो एब्सोल्युटली नेसेसरी एसेंशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। दीज एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरी, और इन एलिमेंट को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, क्या मात्रात्मक मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी में जरूरत हो रही है, कितनी मात्रा में जरूरत हो रही है, उसके बेसिस पे दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। अब फर्स्ट क्या है माइक्रो का मतलब क्या होता है ज्यादा। ठीक है, माइक्रो का मतलब ज्यादा होता है, और माइक्रो का मतलब होता है कम, है ना। क्वांटिटेटिव के बेसिस पे कम ज़्यादा पे डिवाइड कर दिया गया है ना। अब क्या बताएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्जर अमाउंट, है ना। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, है ना, ज़्यादा मात्रा में जरूरत होंगे, कितने पे होंगे, मोर देन 10 मिलीमोल किलो इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, है ना। ये बात याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक्सेस बोला है, एक्सेस यानी मोर देन 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, इतनी मात्रा में जरूरत होगी तो उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे, है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग, माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, वो क्या बताया गया हमको, क्या बताया गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कौन कौन से आ गए, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है, कौन कौन से आ गए,
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर है ना, सल्फर आ गया और क्या आ गया मैग्नीशियम आ गए, कितने हो गए 9 हो गए। 9 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हमने देख लिया है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और क्या होता है मैग्नीशियम होता है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने होते हैं 9 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, 9 होते हैं। कौन कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। इसके लिए अब याद करने में दिक्कत होती है ना, याद करने में दिक्कत होती है तो उसके लिए हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक कौन सी होगी, वो ट्रिक होगी पीके का कौन सा मग, पी से आ गया फास्फोरस है ना, ओके से आ गया पोटेशियम, का मतलब कैल्शियम, और कौन से आ गया CHON, कौन सा यच से मतलब सल्फर, यम से मैग्नीशियम, यानी फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर मैग्नीशियम, कितने हो गए 9 हो गए है ना, 9 हो गए ठीक है। 9 ये हो गए कौन से माइक्रो वाले, ठीक है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हो गए 9 हो गए, आप याद हो गया होगा आपको ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या दिया गया है, कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं ये कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, ऑप्टेन फ्रॉम CO2 एंड H2O से है ना। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से ऑप्टेन होंगे, CO2 और H2O से आएंगे ठीक है। और वाइल अदर आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिशन है ना, और अदर जो होते हैं इसके अलावा जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब होंगे एज मिनरल न्यूट्रिशन के तरीके से ठीक है। अब आगे क्या बताया गया हमको, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताया गया है। माइक्रो मतलब कम मात्रा में ज़रूरत होगी इसकी ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या बताया कम मात्रा में ज़रूरत होगी। अब ये देख लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और इनको क्या बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट मतलब बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, आर नीड वेरी स्मॉल अमाउंट, क्या वेरी स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, कितने स्मॉल अमाउंट में, इसकी क्राइटेरिया क्या दी गई थी वहाँ पे, वो यहाँ पे दिया गया लेस देन 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर है ना, इतनी क्राइटेरिया होगी इनकी, इतने अमाउंट में ज़रूरत होगी इनकी, तो क्या बोलेंगे इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे पूछ सकते हैं है ना, इसके अमाउंट की इतने अमाउंट में ज़रूरत होती है ठीक है। क्या दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में, कौन कौन से आते हैं, दीज इंक्लूड आयरन मैग्नीज कॉपर मॉलिब्डेनम जिंक बोरान क्लोरीन एंड निकिल, कौन कौन से आ गए, आयरन आ गया, जफी आ गया, मैग्नीज आ गया, कॉपर आ गया, मॉलिब्डेनम आ गया यमु ठीक है, और क्या आ गया जिंक आ गया, क्या आ गया जिंक आ गया, और क्या आ गया बोरान आ गया है ना, और क्या आ गया, और क्या आ गया, और क्या आ गया क्लोरीन आ गया, और क्या आ गया निकिल आ गया ठीक है, क्या आ गया निकिल आ गया। इसमें 17 में कितने आए, 17 में कितने 9 जो थे, 9 जो थे वो क्या थे माइक्रो वाले थे, 9 जो थे वो माइक्रो वाले थे, और जो 8 थे वो कैसे थे माइक्रो वाले थे, 8 जो थे माइक्रो वाले थे ठीक है। अभी हमको बताया गया है इन एडिशन टू द एसेंशियल एलिमेंट नेम अबव देयर आर सम बेनिफिशियल है ना, इसमें से एसेंशियल एलिमेंट 17 में से कुछ क्या होते हैं एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जिसके बताए गए 17 एलिमेंट होते हैं उनमें से कुछ कैसे होते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। बेनिफिशियल में क्या हुए, कौन कौन से एलिमेंट हुए, सच एज सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट एंड सेलेनियम है ना। बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से हुए, सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया और सेलेनियम हो गया। तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक हो जाएगी, कोना सी से क्या हो गया, सी से कोबाल्ट हो गया है ना, एन से क्या हो गया, कोना से सोडियम हो गया, और क्या हो गया
शीशे से मतलब सिलिकॉन हो गया और क्या हो गया सिलेनियम हो गया ना, कोना शीशे से हम याद कर लेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट के नाम। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, ये जो होते हैं दे आर रिक्वायर बाई हायर प्लांट, ये जो बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं किसको रिक्वायर होते हैं, किसकी जरूरत होती है, हायर प्लांट को जरूरत होती है इनकी। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट कैन बी, एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं आल्सो बी ग्रुप इन टू फोर ब्रॉड कैटेगरी, एसेंशियल एलिमेंट को और चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शन, यानी उनके फंक्शन के बेसिस पे भी एसेंशियल एलिमेंट को चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वो कैटेगरी कौन कौन सी होती है हमको बताया गया, आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हिन्स स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल, है ना, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं इसके बायोमोलिक्यूल के, और क्या होते हैं स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल के होते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट कैसे होंगे, सेल के स्ट्रक्चर एलिमेंट होंगे, तो कौन कौन से होते हैं वो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यानी कौन जो होंगे, क्या होंगे, कौन कौन जो होंगे, इस ट्रिक से याद कर लेंगे, कौन से याद कर लेंगे, ये कौन से स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं ऑफ सेल के। ठीक है, अब सेकंड क्या बताया गया है, एसेंशियल एलिमेंट डेट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, है ना, वो ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो किसमें जो कंपोनेंट हो किसमें एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, प्लांट के एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड बनाए, वो कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या दिया गया है, एग्जाम्पल में बताया गया मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, जो मैग्नीशियम होता है एमजी, है ना, एमजी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल और कहाँ पे पाया जाएगा, क्लोरोफिल और फास्फोरस जो पाया जाएगा कहाँ पे पाया जाएगा, एटीपी में। मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाएगा, क्लोरोफिल में, और जो फास्फोरस पाया जाएगा वो कहाँ पे पाया जाएगा, एटीपी पे, फास्फोरस एटीपी पे पाया जाएगा, और मैग्नीशियम जो होगा क्लोरोफिल पे पाया जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, एसेंशियल एलिमेंट डेट एक्टिवेट और इनिबिट एंजाइम, कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को और इनिबिट करते हैं, है ना, एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे और इनिबिट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया है, मैग्नीशियम यानी एम जी प्लस टू एन एक्टिवेटर ऑफ बोथ रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को, क्या बोलते हैं, रूबिस्को, ठीक है, रूबिस्को, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रूबिस्को बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, रेबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, और फॉस्फोइनोइल, और आगे क्या बताया गया हमको, फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, है ना, ये क्या हुआ, फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, यानी जिसको पेपकेस बोलते हैं, पेपकेस, ठीक है, पेपकेस, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो होता है मैग्नीशियम होता है एक्टिवेट करता है दोनों एंजाइम को, रेबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज को, और क्या, फॉस्फोइनोइल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज को, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल, क्या है ये, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, क्रिटिकल एंजाइम हैं इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, है ना, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में दोनों के दोनों क्या हैं, ये क्रिटिकल एंजाइम हैं। ठीक है, आगे क्या है, जिंक जो जेडन प्लस टू होता है, जेडन प्लस टू इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, है ना, जो जिंक होता है वो किसको एक्टिवेट करता है, जिंक एक्टिवेट करता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, किसको, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, और जो मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, है ना, जो मॉलिब्डेन होता है नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इस बात को याद रखेंगे। जो जिंक होता है एक्टिवेट करता है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, मॉलिब्डेन जो होता है एक्टिवेट करता है इसको नाइट्रोजनेज को ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है, सेल एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल को अल्टर कर लेते हैं, है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल को अल्टर कर लेंगे, यानी ऑस्मोटिक मेंटेनेंस को गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, आगे क्या है, पोटेशियम प्ले रोल, इसमें क्या करता है, पोटेशियम जो होता है प्ले रोल करता है इंपॉर्टेंट रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या करेगा, जो पोटेशियम होगा, है ना, जिसको के बोलते हैं पोटेशियम, ये प्ले अपना रोल करता है किसमें, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, आगे क्या है, यू मे रिकॉल ए रोल ऑफ द मिनरल एंड सोल्यूट इन डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, है ना, आप क्या वाटर पोटेंशियल ऐसे एलिमेंट का नाम बता सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल को डिटरमाइन करे, है ना, यही है पोटेशियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम और क्या हो गया सोडियम, है ना, एन ए प्लस टू के प्लस क्लिव के प्लस एन ए प्लस, है ना, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्लोरीन वगैरह भी मेंटेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग वीडियो में।
सो इफ यू लाइक माई सेशन सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड. तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव ए नाइस डे.